हेलो स्टूडेंट्स, टुडे हम डिस्कस करेंगे बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। एंड बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी विल डिस्कस द स्टेडी करंट। स्टेडी करंट क्या है कि लेट अस सपोज कि वी हैव एक कंडक्टर है और रेगुलर शेप का कंडक्टर, ठीक है। एक हम कंडक्टर ले रहे हैं इन द शेप ऑफ द सिलेंडर और एक रेगुलर शेप है, इरेगुलर शेप नहीं है, ठीक है। जितना एरिया क्रॉस सेक्शन इस साइड पे है उतना ही एरिया क्रॉस सेक्शन इस साइड पे है, ठीक है। तो अगर ये इरेगुलर शेप का है तो और इसको हम बाहर से कुछ पोटेंशियल प्रोवाइड करवा रहे हैं, बाहर से किसी बैटरी के साथ अटैच कर, किसी सेल के साथ या बैटरी के साथ, तो क्या होगा कि इसमें से जो करंट पास करेगा, अगर हर एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर इस एरिया में से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस एरिया में से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन सभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम पास कर रहे हैं, यानी कि अगर सेम करंट है इन सभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से, तो देन वी कैन से दैट दैट करंट इज कॉल्ड द स्टेडी करंट। सो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी कि करंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज सेम इज कॉल्ड द स्टेडी करंट और एक कांस्टेंट करंट इसे कह सकते हैं कि कांस्टेंट करंट जो है वो कंडक्टर में से पास करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है कि हाउ कैन यू कीप ए कांस्टेंट करंट इनसाइड ए कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर अगर स्टेडी करंट चाहिए आपको, कांस्टेंट करंट चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, तो आपको उस कंडक्टर को एक पोटेंशियल डिफरेंट जो है वो प्रोवाइड करवाना होगा। एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है, एक कांस्टेंट पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराना होगा आपको, ठीक है। तो बाय प्रोवाइडिंग द कांस्टेंट पोटेंशियल द कंडक्टर इन द कंडक्टर स्टेडी करंट इज पास्ड। सो अगर इरेगुलर शेप होगी, आगे हम डिस्कस करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के का रिलेशन डिस्कस करेंगे कि और जो करंट है दैट डिपेंड्स ऑन दी एरिया। अगर तो इसका एरिया चेंज करेगा तो डेफिनेटली इस कंडक्टर में से जो करंट है वो भी चेंज होगा। सो रेगुलर शेप में जो है करंट है वो एक स्टेडी करंट जो है वो पास करेगा, ठीक है। सो अब हम चलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बड़े हम रिप्रेजेंट करते हैं वी और वी के साथ, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है कि जब हम अभी हमने डिस्कस किया था कि एक स्टैटिक करंट पास करता है किसी भी कंडक्टर में, जब हम उस कंडक्टर को एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो जब हम कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस कंडक्टर में वो मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव करते हैं उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो इसे हम डिफाइन करते हैं। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है कि द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस कंसेप्ट को, डेफिनेशन को बाद में समझेंगे, पहले इसके कंसेप्ट को जो है वो इसका जो फार्मूला वो ड्राइव करते हैं, फिर आपको कंसेप्ट भी समझ आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ठीक है। सो लेट अस सपोज कि ये एक कंडक्टर है, अगेन एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है और सिलेंड्रिकल कंडक्टर में हमने प्रीवियस जो लेक्चर था, लेक्चर वन, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब ये कंडक्टर किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के साथ कंडक्ट नहीं है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थर्मल एनर्जी के साथ मूव करते हैं, ठीक है।
तो इस कंडक्टर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी जो वैल्यू है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर में, वो जो होते हैं नंबर ऑफ कंडक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम वो नियर अबाउट 10^10 29 पर मीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चंस में कई बार पूछा जाएगा आपको। ठीक है, और जो एट, तो जब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब इनको हमने किसी एक्सटर्नल बैटरी के साथ या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड नहीं कराया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव करेंगे, वो कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन को, कोई इस डायरेक्शन को, कोई इस डायरेक्शन को, एंड जब रैंडमली मूव करेंगे तो इनकी जो वेलोसिटी है, अगर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो u1 है, ओके, और दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u2 है, दैट इज़ द थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, इनकी इंटरनल एनर्जी के कारण जो इनकी वेलोसिटी है, ठीक है, दैट एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और दीज आर दी थर्मल वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर मूविंग रैंडमली, तो इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी, कि इनकी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटीज, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इसकी, एवरेज वेलोसिटी होगी u1 प्लस u2 u3 प्लस ऑन 2 प्लस un अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि रैंडमली मूव कर रहे हैं और एक दूसरे को वो वेलोसिटी वेक्टर को क्या करेंगे, वो कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, ओके। अब इनकी जो जो वेलोसिटी है, जो थर्मल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, वो भी प्रिडिक्टेड है, थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो होती है बेटे 10^5 m/s, काफ़ी हाई स्पीड के साथ ये मूव करते हैं। ठीक है, तो एट रूम टेम्परेचर ये ऑल जो इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनकी जो थर्मल वेलोसिटी है दैट इज एट रूम टेम्परेचर, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर, देन द आंसर इज इट इज 10^5 m/s एट रूम टेम्परेचर, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, इट एक मीटर क्यूब में जो वॉल्यूम है उसमें 10^29 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो ये हो गए इसके थर्मल वेलोसिटी, वो 0 कि एक दूसरे की वेलोसिटी को वो कैंसिल कर रहे हैं। अब क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे हमने डेफिनेशन में लिखा है कि द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब हम इस कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ अटैच करते हैं, हमने एक बैटरी के साथ अटैच किया इसको, तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो और इस कंडक्टर की हम लेंथ मान के चलते हैं कि इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो एल है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इनके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो ई होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो एक पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल है और एक नेगेटिव पोटेंशियल, इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट होगा। ठीक है, चलो फिलहाल हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। ये अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले मैं एक इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो रैंडमली मूव कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कभी इस डायरेक्शन, कभी इस डायरेक्शन, कभी इस डायरेक्शन, कभी इस डायरेक्शन, कभी इस डायरेक्शन को मूव कर रहा था। अब क्या होगा कि जब यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है और यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इन इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स एग्जर्ट होगी, वो फोर्स कितनी होगी, एफ इज इक्वल टू क्यू ई के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये फोर्स, तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई की जो फोर्स है, अब ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स एग्जर्ट, वो फोर्स कितनी होगी, एफ इज इक्वल टू ई ई, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स है ये नेगेटिव चार्ज है,
एफ इज इक्वल टू क्यू ई फोर्स एग्जर्ट होगी, ठीक है। तो इस फोर्स के कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रिक जो नेगेटिव इस साइड पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स एग्जर्ट करेगा। कितनी फोर्स है वो? एफ इज इक्वल टू ई ई फोर्स एग्जर्ट करेगा, ठीक है। अब इस फोर्स को एग्जर्ट करने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन पहले जैसे कि कह सकते हैं कि ये रैंडमली मूव कर रहा था और कभी इस डायरेक्शन को कभी इस डायरेक्शन को कभी इस डायरेक्शन को कभी इस डायरेक्शन को हर एक डायरेक्शन में ये मूव कर रहा था। अब ये रैंडमली मूव तो करेगा ही करेगा, ठीक है, लेकिन साथ में ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भी अट्रैक्ट होगा, ठीक है। एक तो थर्मल एनर्जी के कारण जो है वो रैंडमली मूव कर रहा था, अब एक्सटर्नल एनर्जी के कारण एक्सटर्नल फोर्स के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड को मूव करना स्टार्ट करेगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा एक जो इसकी जो पहले एनर्जी थी इसकी वेलोसिटी थी वो यू वन एनर्जी थी, ठीक है। अब उसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट हो रही है एफ इज इक्वल टू ई ई, तो ये जो फोर्स है एफ इज इक्वल टू ई ई, ये इस पर एक फोर्स एग्जर्ट हो, क्लियर। अब फोर्स एग्जर्ट होने के साथ ये जो एक्स्ट्रा फोर्स लग रही है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो एक्सेलेरेट करेगा, अब एक्सेलेरेट करेगा तो उसकी कुछ ना कुछ एक्सेलेरेशन होगी, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका कुछ ना कुछ मास भी है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ जो जो उस पर फोर्स लग रही है और फोर्स के कारण वो जो एक्सेलेरेट कर रहा है दैट इज एम ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक्सेलेरेशन हो रही है ये किस फोर्स के कारण हो रही है? इस फोर्स के कारण हो रही है, यानी कि ये जो फोर्स है ये दोनों फोर्सेस सेम होंगी। अगर ये दोनों फोर्सेस सेम होंगी तो क्या होगा कि ये जो एक्सप्रेशन है टू और थ्री इक्वेशन का ये इक्वेट कर देंगे हम कि एम ए जो है दैट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ ए ई, और यहाँ से हम एक्सेलेरेशन फाइंड आउट कर लेंगे कि उसकी जो एक्सेलेरेशन है ई ई अपॉन कितना आ जाएगा एम। और यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्या शो कर रहा है कि ये जो एक्सेलेरेट कर रहा है एक्सेलेरेशन है जो एक्सेलेरेशन दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस साइड पे है? इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस डायरेक्शन को मूव, ठीक है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव तरफ मूव कर रहा है, तो इस साइड पे उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन हो रही है, उसकी एक्सेलेरेट कर रहा है वो, ठीक है। तो ये आ जाएगी एक्सेलेरेशन ई ई अपॉन एम इक्वेशन नंबर फोर। अब एक्सेलेरेशन के साथ क्या होगा कि जब उसके फोर्स लगे तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, ठीक है। तो पहले उसकी अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं उसकी फर्स्ट वेलोसिटी कितनी थी? यू वन थी, ठीक है। अब वो एक्सेलेरेट कर गया विद एक्सेलेरेशन ए तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, उसकी ये थर्मल वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी, और ये जो है एक्सेलेरेटेड वेलोसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आ रही है उसकी ए वी वन, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे था, उसकी वेलोसिटी u1 थी और मूव करके वो बेटे यहां पे आ गया एट अ स्पोस, और यहां पे आके इसके बीच में और भी एटम और आयंस हैं इस कंडक्टर के, ठीक है, उनके साथ जाके यहां पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो यहां पे उसकी वेलोसिटी u1 थर्मल थी लेकिन वो यहां पे फोर्स के कारण इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पे जो फोर्स लग रही है उसकी वेलोसिटी u1 से क्या होगी? उसकी v1, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी u1 बट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v1 हो चुकी है, और एक्सेलेरेशन कितनी आ रही है उसकी? a आ रही है, और यहाँ से यहाँ तक मूव किया उसने और टाइम इसको लग गया इसे मान लेते हैं tau1 के साथ, क्लियर। यहाँ से यहाँ तक इस एटम के साथ या इस आयन के साथ टकराने तक
यहाँ पे कोई एटम और आयन है इस कंडक्टर का, उसको टकराने तक जितना टाइम लगा उसे वो हम नोट कर लेते हैं टाउ वन, कि जब वो बिल्कुल रिलैक्स था, फ्रीली मूव कर रहा था, तो उसको टाइम लगा, कितना टाइम लगा उसको, उसको टाइम लग रहा है टाउ वन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, तो यहाँ पे बन जाएगा v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a इंटू टॉर्क। ठीक है, सिमिलरली जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन होगा उसकी भी वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि उसकी पहले थर्मल वेलोसिटी कितनी थी, u2 थी, तो अब बन गई उसकी a2 टो। और सिमिलरली जो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी भी वेलोसिटी आ जाएगी, तो वो वेलोसिटी बन जाएगी vn इज इक्वल टू un प्लस a टो n। तो इन सभी को हम ऐड अप कर लेते हैं, ऐड अप करने के बाद क्या बनेगा, ये v1 प्लस v2 v3 सो ऑन टू वी एन इज इक्वल टू यू वन यू टू सो ऑन टू यू एन प्लस ए कॉमन टो वन टो टू प्लस ऑन टू टू एन आ जाएगा। अभी सभी को बोथ साइड पे हम एन के साथ डिवाइड कर देंगे, इस साइड भी एन के साथ, इस साइड भी एन के साथ। तो ये जो वेलोसिटी है दैट इज द एवरेज वेलोसिटी, तो हम लोग डेफिनेशन में लिखा है, तो दिस इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने इक्वेशन वन में ली थी, इक्वेशन वन में क्या वैल्यू थी उसकी, देखिए इक्वेशन वन में यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री सो ऑन टू यू वन, इनकी जो एवरेज थी दैट इज इक्वल कितना था, जीरो था। सो ये वैल्यू हम यहाँ पे फिल करेंगे, यू वन प्लस यू टू प्लस यू वन दैट इज इक्वल टू जीरो, और प्लस आ जाएगा ए, और इसे हम यूज करेंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, वैसे हम प्रेजेंट करेंगे टॉक के साथ। ये जो टॉक है दैट इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि इसकी जो वैल्यू है टो वन प्लस टो टू प्लस टो थ्री प्लस सो ऑन टू टो एन और डिवाइडेड बाय एन है। तो ये जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम है बेटे, कि जैसे हमने ऊपर किया था कि टकराने से पहले, ठीक है, तो यहाँ से लेके यू, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन ए पॉइंट से यहाँ बी पॉइंट तक पहुँचने तक वो किसी भी एटम और आयन के साथ टकराया नहीं था, कोलाइड नहीं किया था, कोलिजन नहीं किया था, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो रिलैक्स्ड टाइम है, जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा था, दैट टाइम इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, द टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, तो ये रिलेशन बन जाएगा वी डी इज इक्वल टू ए इंटू टॉक। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमने प्रोफाइन की थी, ए की वैल्यू वो कितनी थी, माइनस ई ई अपॉन एम इंटू टॉक फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ थी, आई थिंक फ्रॉम क्वेश्चन फोर, ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए ई अपॉन एम, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इन द वेक्टर फॉर्म, और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड में इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वी डी इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम। ठीक है, E upon M
तो मैग्नीट्यूड का कर देगा इसके नेगेटिव साइन को बता देगा m into torque, this is the magnitude form. तो यहाँ पे negative sign क्या represent कर रहा है? Negative sign indicate, VD, the velocity is opposite to the direction of external electric field. Clear? तो ये expression बेटे आपने याद रखना है कि जो drift velocity है वो किसके इक्वल होती है. ठीक है, तो यहाँ से जो relation है, क्योंकि electric field का जो charge है वो तो same होगा इलेक्ट्रॉन का और मास भी इलेक्ट्रॉन का सेम होगा. सो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है? दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड. एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा उतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जो वी डी है दैट इज़ आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टॉर्क, टेम्परेचर, सॉरी टाइम, रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करता है. जितना रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होगा उतनी वेलोसिटी भी क्या होगी ज़्यादा होगी, क्योंकि टाइम कौन सा है? कोलिजन के बीच में. जितना कोलिजन देर बाद होगा उतनी वेलोसिटी वो ज़्यादा एक्सेलेट होगा, उतनी उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी. अगर रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो उसके साथ उसकी वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब कि जल्दी कोलिजन हो जाएगा. अगर यहाँ पे कोलिजन हो जाता है, अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके कोलाइड करता है, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसे टाइम लगेगा. और दूसरा केस लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एटम के साथ कोलाइड हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको टाइम ज़्यादा लगेगा और ये एक्सेलेरेट ज़्यादा होगा, ज़्यादा टाइम तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में रहेगा, तो इसकी एक्सेलेरेशन भी क्या होगी? ज़्यादा होगी. तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम भी ज़्यादा लगेगा और उसकी एक्सेलेरेशन भी ज़्यादा होगी, उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी. लेकिन इस केस में क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको टाइम कम लगेगा तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? कम होगी. और जब यहाँ से जाके ये इस एटम और आयंस के साथ टकराएगा तो जितनी एनर्जी इसने गेन की थी इलेक्ट्रिक फील्ड से, F इज इक्वल टू क्यू ई से जितनी इसने एनर्जी गेन की थी फोर्स लगने से, वो यहाँ पर वो एनर्जी क्या हो जाएगी? इसकी लॉस हो जाएगी. ठीक है, फिर उसकी स्पीड कम हो जाएगी. फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से ये एनर्जी लेगा तो ये फिर बी पॉइंट तक पहुंचेगा. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जितना ही वो दूर होगा, जितना ही उसे टाइम ज़्यादा लगेगा पहुँचने के लिए, उतनी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी. जितना टाइम उसे कम लगेगा उतनी ही उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी. ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. कि क्वेश्चन क्या है जैसे बेटा, ये क्वेश्चन है कि हाउ डज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर वेरीज विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा. ठीक है, कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर से क्या होगा? हीट. तो हीट के साथ क्या होगा? उनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी. जब उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा? ज़्यादातर स्टूडेंट्स लिख देते हैं कि एनर्जी इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी. ठीक है, लेकिन कंसेप्ट को समझिए. जब उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी, ये जो कंडक्टर है व्हेन द एनर्जी इज इंक्रीजिंग, तो इलेक्ट्रॉन जो है जो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो जल्दी टकरा जाएगा. यानी कि ये जो टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम जो है, ये कम होगा, जल्दी टकरा जाएगा. एनर्जी इंक्रीज होने के साथ ये जो रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? डिक्रीज होगा, वो जल्दी टकरा जाएगा. अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा देन अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, कि जो हमने अभी रिलेशन प्रूफ किया है कि वी डी इज इक्वल टू क्या है, वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई अपॉन एम इनटू टॉर्क.
कि अगर टॉर्क डिक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी. सो इफ द रिलैक्सेशन टाइम इज डिक्रीजेस द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिक्रीजेस. Clear? So the answer of this question, if they increase the temperature, then the energy of the electrons are increasing due to the relaxation time is decreases. The electrons immediately collide with the other ions or atom of the conductor and the relaxation time is decreases. If the relaxation time is decreases, then the drift velocity is also decreases. Clear? So ये क्वेश्चन का आंसर ये था. तो यहाँ पे मैं रिलैक्सेशन टाइम के बारे में मैंने आपको बताया था कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कि जो कोलिजन करने के बीच यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पे कोलाइड कर रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो टाइम जो है दैट इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम. ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, डिफाइन द रिलैक्सेशन टाइम. ओके, तो ये थे क्वेश्चन कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का. तो बेटे आगे जो हम डिस्कस करेंगे उसके लिए जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये जो फार्मूला है ये आपने याद करना है. ठीक है, ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा ये यूनिट है, सेकंड या थर्ड चैप्टर है जो, तो उस सभी चैप्टर में बेटे हमने करंट के बारे में डिस्कस करना है. और ये रिलेशन जो है वीडी का रिलेशन, तो और एक जो हम नेक्स्ट करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन डिफाइन करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता ही आता है 3 मार्क्स का. ठीक है, सो आपने इसे अच्छी तरह करना है और इस रिलेशन को याद भी रखना है. ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही. तो कल हम डिस्कस करेंगे फिर रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. हाँ, एक बात मैं और कहनी चाहता हूँ बेटे आपसे कि ये जो ऊपर मैंने 2 पॉइंट्स लिखे थे इन्हें भी याद रखना है आपने, कि थर्मल वेलोसिटी और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक कंडक्टर में, 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10^10 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो 10^19 है, 29, और उसके जो थर्मल वेलोसिटी 10^15 है. और लेकिन जब हम उसको किसी पोटेंशियल के साथ अटैच करते हैं तो उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो नियर अबाउट जो हो जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, वो 10^-4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, दैट इज द दिस इज द थर्मल वेलोसिटी 10^5 मीटर पर सेकेंड. और जो 10^-4 मीटर पर सेकेंड है दैट इज द वेलोसिटी आफ्टर प्रोवाइडिंग द पोटेंशियल डिफरेंस टू द कंडक्टर, यानी कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10^-4 मीटर पर सेकेंड और 10^5 मीटर पर सेकेंड इज द थर्मल वेलोसिटी एट द रूम टेम्परेचर. क्लियर पॉइंट? सो आज के लिए बेटे सिर्फ इतना ही. तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द करंट. सो हैव अ नाइस डे. थैंक यू.